500-600 पराठा बन जाता है। 70 रुपए में मिलने वाला यह अंडा और मक्खन से तैयार होने वाला उर्दू बाजार लाहौर का मशहूर आलू वाला पराठा, जिसे साग प्याज और टमाटर की चटनी के साथ सर्व किया जाता है। तीसरी नस्ल से बिकने वाले इस पराठे की क्या खास बात है कि लोग दूर दूर से खाने आते हैं, जानिए इस वीडियो में। नित नए और मजेदार खानों की बेहतरीन मालूमात के लिए उर्दू पॉइंट फूड चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे वीडियोस बर वक्त देख सकें। कब से करो ये काम? ये मुझे 8-9 साल हो गए हैं। उससे पहले चाचू बैठते थे, उससे पहले दादा वो बैठते थे, अब मैं बैठता हूँ। कोई 70-80 साल हो गए इधर अड्डा लगाया हुआ। और आप कितने पराठे दिन में बनाते हैं? काफी ज्यादा, कोई 500-600 पराठा बन जाता है। 500-600 पराठा दिन में बनता हो, और साथ कॉम्बिनेशन किस चीज का देते, क्या हो साथ? ये साग और मक्खन चटनी, टमाटर प्याज की चटनी होती है, साथ में साग और मक्खन। मकई की रोटी सरसों का साग सुने, बट आलू के पराठे के साथ ये क्या कॉम्बिनेशन है? ये टेस्ट होता है इसके साथ, वो साग सूख डाल के ना टेस्ट बन जाता है, वो चटनी भी डाल के और मक्खन डाल के ये बिकता है हमारा। बहुत अरसों हो गया। पराठे तो आप 500-600 बना लेते हैं, इसका मटेरियल कब तैयार करते हैं? ये 2-3 बजे, रात को 2-3 बजे बनता है। क्या ये दुकान पूरे 24 घंटे खुली रहती है? 24 घंटे, सुबह टाइम चाचू बैठते, रात को मैं बैठता हूँ। तो आप इतने माशाल्लाह पराठे भी बनाते हैं, कितने का सामान आपका डेली का बन जाता है? ये बन जाता है 20-30 हज़ार का बन जाता है सामान। 20-30 हज़ार का सामान बन जाता है, और बिक्री कितने की होती है? 40-50 हज़ार की हो जाती है। मतलब आपका दिन खाली नहीं जाता। हाँ। साग कितना बनाते हैं आप? साग 20 किलो बनता है, और मक्खन 5 किलो, और टमाटर 10 किलो। तो अंडों के साथ क्या देते हो? अंडा ऊपर लगा के देते हैं पराठे के। ये कॉम्बिनेशन अंडा पराठा, साथ साग और टमाटर और प्याज की चटनी, और साथ मक्खन मार के, क्या बात है। ये किसने इंट्रोड्यूस कराया था, किसको आइडिया आया था? ये मेरे दादा अबू बैठते थे। आपने पढ़ाई नहीं की? नहीं, पढ़ाई की थी, छोड़ दी, फिर इधर आ गए। धड़ाधड़ पराठे पे पराठा बस बनाए जा रहे। आटा कितना यूज होता है? आटा 2 मन। 2 मन आटा यूज होता है, महंगा नहीं पड़ता? नहीं, अब बेचना तो है ना, जितना मर्जी महंगा हो। कितने का देते हो? ये 70 रुपए का पराठा। 70 रुपए का पराठा, सबसे यूनिक चीज। 70 रुपए का ये पराठा दे रहे हैं, साथ साग भी दे रहे हैं, जो सबसे महंगी आइटम है। साग कितने का बनाते हो? साग बन जाता है कोई 4-5 हज़ार का। ये बनाता कौन है? ये चाचू बनाता है। अच्छा, आपका ये हमेशा से यही रेट है? नहीं, ये पहले 5 रुपए का, 10 रुपए का, 15 का, 20 का, अब 70 रुपए का है। इतनी महंगाई में आपका हो जाता है एक्सपेंस पूरा? हाँ, हो जाता है। माशाल्लाह, मैं देख सकती हूँ, अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, यहाँ पे रश भी बहुत ज्यादा है, सब लोग बहुत खुशी खुशी खा रहे हैं। बेलना यूज नहीं कर रहे हो, तो इसको कैसे तुम अपना, मतलब के पराठे इतने गोल कैसे बन रहे हैं? ये एक्सपीरियंस होता है ना। बिजली का बिल कितना आया? बिजली का बिल तो 15 हज़ार पे आया। 15 हज़ार तुम लोगों का वैसे ही पूरा हो गया होगा माशाल्लाह। एक दिन में पूरा कर देते हैं बिल। शादी हुई भी है? नहीं, शादी नहीं अभी हुई। करनी भी नहीं है? नहीं, करनी है। गर्लफ्रेंड है? नहीं। अच्छा, अगर पर्स के तुम गर्लफ्रेंड तुम्हारे नसीबों में आई जाती तो उसे क्या कहोगे? मैं पराठे बहुत अच्छे बनाता हूँ। हाँ, यही उसको पहले बता दूंगा, मैं पराठे का काम करता, मेरा अपना काम है वो पराठे का। हमारे पराठे माशाल्लाह इतने मशहूर है कि दूर दूर से लोग खाने आते हैं, कैसा लगता है? अच्छा लगता है, हम इज्जत करते हैं गाहकों की। नाज़रीन, आज मैंने आपको वो फूड पॉइंट दिखाया है कि जो 50-60 साल से ये लोग चला रहे हैं, और इनका एक बहुत यूनिक सा कॉम्बिनेशन है, आलू के पराठों के साथ सरसों का साग, टमाटर और प्याज की चटनी, साथ मक्खन मार के। तो इसी के साथ अपनी मेजबान फातिमा वसीम को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।